कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसका आठवां बाब और उसकी 23वीं आयत से 27वीं आयत तक। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया इंजील बयान आठवां बाब 23वीं से 27वीं आयत तक हम खुदा के कलाम में से तलावत सुनेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसकी शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक में जाते हैं। उसने उनसे कहा, में तो कहा दो डरते क्यों हो। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया और लोग ताजुब करके कहने लगे कि किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा का शुक्र उसके कलाम के लिए, आमीन। खुदा का कलाम इस बात के लिए हमारी रहनुमाई करता है कि जिस यीशु पर हम ईमान रखते हैं, जो यीशु हमारा निजात देता है, उसको पूरी कायनात पर इख्तियार, सारी चीजों पर वो अपना इख्तियार रखता है। और शाम का वक्त है, जी सूसी की खिदमत का वक्त अक्सर झील पर गुजरता था, 13 मील और 7 मील की चौड़ी वो झील थी। और शाम के वक्त बहुत से लोग जमा है। अगर हम मुकद्दस कलाम में से मरकज की झील 4:35, 43:8, 22:25 उन्होंने भी बताया, पालिका के पास भीड़ उसके पास थी, बहुत से लोग उसके पास आए। शाम का वक्त था, वो उन्हें कहता है शागिर्दों को कि तिबरियास की झील के पार चले। और उस वक्त उस कश्ती में खुदा यीशु मसीह और 12 शागिर्द मौजूद थे। और इसके साथ साथ कलाम ये बयान करते हैं उनके साथ और कश्तियां भी थी और ये सारे सफर कर रहे हैं। ये झील सदा समुद्र से कोई 750 फुट नीचे थी। इसमें अक्सर तूफान आया करते थे, अक्सर हवाएं चलती आंधियां चलती, और ये सारे शागिर्द उस झील से वाकिफ थे, अक्सर मछेरे थे और उसी झील पर मछलियां पकड़ा करते थे। इस तौर से कोई वो सारा कुछ उनके लिए नया नया नहीं था, बल्कि सारे हालात से वो वाकिफ थे। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु कश्ती में है और मैंने बयान किया कि 12 शागिर्द भी उसके साथ कश्ती में है। और आज के कलाम में से पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि यीशु के साथ हमें तूफानों में से भी गुजरना पड़ता है, यीशु के साथ हमें दुखों में से भी गुजरना पड़ता है, यीशु के साथ हमें मुश्किलात में से भी गुजरना पड़ता है। और यीशु चाहता है कि उसके शागिर्द उस कश्ती में तूफानों में उसके साथ जाएं। और मेरा ईमान है कि यीशु को पता था आज तूफान आएगा, क्योंकि वो सारा कुछ जानने वाला खुदा है, उसे हर चीज का इल्म है। इसीलिए खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है, हमें याद रखने चाहिए उसके साथ हमें कैद में भी जाना पड़ता है, उसके साथ मुश्किलात में जहाज में भी जाना पड़ता है, उसके साथ महल में भी जाना पड़ता है। और सबसे जो अहम बात है, हम तूफानों में से, मुसीबतों में से, दुखों में से गुजरते हैं, सताए जाते हैं, तंग किए जाते हैं, हर साथ में से गुजरते हैं, हम उसके साथ जाते हैं। और जो बात अगली करने वाला हूं, हम उसके साथ आसमान पर भी जाते हैं, दुखों में से गुजरते हैं,
हम तूफानों में से गुजरते हैं, अगर हम उसके साथ हैं तो याद रखें उसके साथ आसमान पर भी हम जाएंगे। और यही बात यह हम सीखते हैं कि शागिर्द साथ है और वो जा रहे हैं। यहां पर तूफान है और ये तूफान खुदावंद के जलाल के लिए था। यीशु अक्सर ये कहा करता था, ये जो काम होते हैं, ये जो मुआवजे होते हैं, यीशु करने के बाद कहता था ये खुदा के जलाल के लिए। अगर हम यूहन्ना की झील के 11वें बाब उसकी चौथी आयत में पढ़े तो हमें लाजर की मौत का पता चलता है, लाजर की बीमारी का पता चलता है, लाजर की हलाकत का पता चलता है। और यीशु लाजर की बीमारी को क्या कहता है, चौथे बाब की 11वें बाब की चौथी आयत, यीशु ने सुनकर कहा कि बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। लाजर की मौत, लोग परेशान है, आंसू बहाते हैं, रो रहे हैं, और यीशु लाजर को देखकर कहता है कि ये इसलिए सबक है, ये मेरे नाम को, खुदा के नाम को जलाल मिले। कई दफा हम तूफानों में से, मुसीबतों में से, दुखों में से गुजरते हैं और जब हम निकल जाते हैं तो याद रखें ये खुदा के जलाल के लिए होता है, खुदा की इज्जत के लिए, उसकी तजीम के लिए। लाजर की मौत के वसीले से हम देखते हैं कि यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिले। जब उसने चार दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया तो यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिला। और ये तूफान भी खुदा के जलाल के लिए है, उसकी इज्जत के लिए है। और हमें यीशु के साथ, जब हम यीशु के साथ चलते हैं, हमें तूफानों के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें ऐसे हालात में से गुजरने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले कलाम सुनाते वक्त इस बात का ऐलान किया था कि यीशु की वजह से हमें सताया जाता है, तंग किया जाता है, मारा जाता है, साई छुड़े कहा जाता है, चिपेड़े मारी जाती है। और मैंने क्या कहा था, कलाम में लिखा है जब मेरे सबब से लोग तुम्हें मारे, लान तान करें, आगे लिखा खुशी करना और शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा आज़र। बड़ा अच्छा बात मैंने पहले की थी कि हम दुखों में से गुजरते हैं, तूफानों में से, बीमारियों से, मुसीबतों में से गुजरते हैं, इसलिए गुजरते हैं कि हम आसमान पर खुदा के साथ जाना चाहते हैं, उसकी बातचीत में दाखिल होना चाहते हैं। इसलिए जब पाकिस्तान में हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो परेशान ना हुआ करें, अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि हम दुखों में से, मुसीबतों में से गुजरते हैं, हम यहां रहते हैं, हमें गुजरना पड़ेगा, हमें तैयार रहना चाहिए। और यहां पर भी है कि मैंने कहा 12 के 12 शागिर्द साथ है और कश्ती तूफान में चली गई, झील पर चली गया, अंधेरी आंधी आ गई है, पानी इतना ज्यादा है कि कश्ती छुप गई है, हवा बहुत तेज है, तूफान बहुत तेज है, कश्ती अचकोले ले रही है और सुनियो हो क्या रहा है, यीशु सो रहा है। भला ऐसे में कभी नींद आती है, तूफान हो, बड़ी बड़ी लहरें हो, बड़ी तेज आंधी चल रही हो और कलाम बयान करता है यीशु सो रहा है, गद्दी पे पीछे सर रख के सो रहा है। कलाम कदस इस बात को बयान करता है, कश्ती लहरों में छुप गई, इसका मतलब है लहरें बहुत बड़ी थी, बहुत ऊंची थी और कश्ती छुप गई, लोगों को नजर, साथ वाली कश्तियों को इधर उधर किनारों से नजर नहीं आ रहा, कश्ती किधर गई है। कलाम में लिखा मगर वो सोता था, तूफान है मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उससे सिखाया, याद रखेंगे खुदा के लोगों के बारे में कलाम बयान करता है, जबूर 4 उसकी 8 में आया, मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा क्योंकि खुदा तू फक्त मुझे मतमैन रखता है, मैं सो जावांगा निश्चय नाल जो मैं लेट जावांगा, मैं सो जावांगा निश्चय नाल जो मैं लेट जावांगा। और जो बात अगली करने वाला हूं, असल में
खुदा के लोग तूफानों से डरते ही नहीं है, और यीशु भी तूफानों से नहीं डरता। और जिस दिन यूना कश्ती में बैठकर याफा से जा रहा था, जिस दिन वो कश्ती में सवार था, उस जहाज पर भी तूफान हो गया और यूना नीचे सो रहा था। यूना कश्ती के नीचे सो रहा था और कश्ती में तूफान आया हुआ था। वो अनाज फेंक रहे हैं, वो कश्ती को हल्का कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कश्ती डूब जाएगी, हम मर जाएंगे, लेकिन यूना नीचे सो रहा है। यूना को डर नहीं है, खौफ नहीं है। वजह यह थी कि यूना को खुदा मारना नहीं चाहता था। और जिस कश्ती में यीशु है, याद रखें उस कश्ती को दुनिया का सबसे बड़ा तूफान में नहीं डूबो सकता, क्योंकि यीशु उस कश्ती में मौजूद है। कश्ती में सोता है, और ये पहली दफा हमें पता चलता है पूरे नए नामे में कि यीशु सोता भी था। ये पहली दफा एक ये आयत पढ़ी है, ये पहली दफा ये लफ्ज मैंने पढ़ा है कि यीशु सोता भी था। और यीशु के बारे में जो बात सीखी है वो ये है कि यीशु तूफानों में सोता था। तूफानों में कोई नहीं सो सकता। कश्ती हिल रही है और यीशु सोता है। और अगली बात जो कहने वाला हूं कि मैं और आप भी दुखों में से गुजरते हैं, मुसीबतों में से, परेशानी में से गुजरते हैं, लेकिन अगर खुदावंद हमारे साथ हो तो हम भी सो सकते हैं। नींद किन्हें नहीं आती? कौन लोग नहीं सो सकते? ऐसे लोग नहीं सो सकते जिनकी जिंदगी में बदरुएं होती हैं, जिनकी जिंदगी में शैतानी होते हैं। यहां जो बुजुर्ग रिश्ता बैठे हैं, उनकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो रात सो नहीं सकते। उन्हें नींद दिन के चढ़ा के वक्त आती है, जब दिन चढ़ने वाला होता है फिर उन्हें नींद आती है, सारी रात वो सो नहीं सकते। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, जो नबी पैगंबर हैं, जो मुकद्दसीन हैं, वो रात को सो जाते हैं। और मैंने जबूर में से पढ़ा, मैं सो जावांगा नीच के नाल जदों मैं लेट जावांगा। अगर आपको अच्छी नींद आती है तो कौन सा शख्स है जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं होती, जिसकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं होती? लेकिन याद रखें, आज के कलाम में से अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अगर हम खुदा के लोग हैं तो हम मुश्किलों में भी सो जाते हैं। और वाकया भी हम सीखते हैं। इमाल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 6वीं आयत, इमाल 12वां बाब उसकी 6वीं आयत में भी एक वाकया हमें नजर आता है। और वाकया क्या है कि पतरस कैद में है। पतरस की मिसाल हमारे सामने है, दो जंजीरों से बंधा हुआ और दो सिपाहियों के दरमियान, और कलाम में लिखा है कि वो सोता था। 12वां बाब 6वीं आयत इस बात को बयान करती है कि तूफान उधर भी है। कलाम को इसमें पढ़ता हूं, और जब हेरोदेस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बंधा हुआ और दो सिपाहियों के दरमियान सोता था, और पहले बार दरवाजा पर कैद खाने की निगरानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आकर आवा और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार कर उसे कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। पतरस को जेल में भी नींद आती है, पतरस को बेड़ियां लगी हुई है, जंजीरें डाली हुई है, तो सिपाही उसके ऊपर खड़े हैं और कलाम बयान करता है पतरस सो रहा है। याद रखे, अगर खुदावंद हमारे साथ है हमें कोई सोने से नहीं रोक सकता। हमारी नींद बड़ी बेहतरीन हो सकती है। रसूलों के माल में ऐसे बहुत से वाक्य हमें नजर आते हैं कि पतरस को यकीन था कि मेरा खुदा मुझे मुसीबत में से निकाल लेगा, मेरा खुदा मुझे मुश्किल में से निकाल लगे, और इसलिए लिखा है कि जिंदगी उसके हाथों में से खुल पड़ी। फरिश्ते ने उसे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले, उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उसके उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। पतरस के पास फरिश्ते आ गए थे, और आज भी खुदा हमारी मदद करता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। और शगिर्द तूफान में फंसे हुए हैं, शगिर्द पानी में फंसे हुए हैं, शगिर्द आंधियों में फंसे हुए हैं, और जब ऐसे हालात हैं वो आपस में कोई बात नहीं करते,
वो जल्दी से कलाम इस बात को बयान करता है, वो यीशु के पास आ जाते हैं। और आज के कलाम में से अगली बात आपका सामना करना चाहते हो, अगर कभी मुश्किल में फंस जाए, अगर कभी मुसीबत में फंस जाए, अगर कभी तूफान में फंस जाए, आप यीशु के पास आते हैं, वो आपको तूफान से निकाल देगा, वो आपको तूफान से निकाल देगा। कई दफा लोग इस बात का इजहार करते हैं कि मैं बड़ी मुसीबत में था, बड़े दुख में था, और मैंने दुआ की और खुदा ने मुझे निकाल लिया। कई दफा हादसात में से गुजरते हैं, मुसीबतों दुखों में से गुजरते हैं, लेकिन खुदा हमें मुसीबतों में से दुखों में से निकालने का इख्तियार रखता है। शगिर्दों से बात सीखने की जरूरत है। तूफान आया है और वे यीशु के पास आ गए और कहते हैं यीशु हमें बचा। कलाम इस बात को बयान करता है, यीशु के पास आकर उसे क्या कहते हैं, उन्होंने पास आकर उसे जगाया, कहा अरे खुदा हमें बचा, कश्ती में यीशु है, इसलिए उस कश्ती को डुबो कोई नहीं सकता। अगर आपकी जिंदगी में यीशु है, अगर आपने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है, अगर आप यीशु पर ईमान ले आए हैं, अगर आप यीशु में शामिल हो गए हैं, तो याद रखें फिर आपको यीशु के पास जाने की जरूरत है शागिर्दों की तरह, क्योंकि शागिर्दों की जिंदगी में यीशु आ गया था। फिर यही नहीं बल्कि उनमें शायद ये बात हुई हो कि वो सो रहा है और ये हमें बचा सकता है। और अगली बात जो आपके सामने रखना चाहता हूं, कई दफा हमें मुश्किलात में एहसास नहीं होता कि यीशु हमारी जिंदगी में है। हमें ये बात हर वक्त याद रखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, अगर यीशु मेरी जिंदगी में है तो मुझे तूफानों से बचा सकता है, मुझे तूफानों से निकाल सकता है। फिर लगता यू है कि उन्हें यकीन था, उनका ईमान था कि वो उन्हें बचा सकता है। आगे कहते हैं हमें बचा, वो है ही निजात देता, वो निजात देने के लिए आया है, वो गुनाहों से निजात देने के लिए आया है, वो मुसीबतों से निजात देने के लिए आया है, वो मुश्किलों से निजात देने के लिए आया है, वो बीमारियों से रहाई देने के लिए आया है, वो तूफानों से निकालने के लिए आया है, वो दुश्मनों से छुड़ाने के लिए आया है, वो इब्लीस से रहाई देने के लिए आया है, वो मेरा और आपका निजात देता है, वो हमें किसी भी चीज से निजात दे सकता है, वो नशे से निजात दे सकता है, वो दुश्मनों से रहाई दे सकता है, वो तूफानों से रहाई दे सकता है, वो हमें मौत से रहाई दे सकता है। और परसों चौथ रात की बात है, हम तीन दिन के लिए गिरजे में थे, तीन रातें तीन दिन रोजा रख करेंगे और पढ़े हुए थे, मेरे साथ 60-70 लोग थे तीन रातों तक, और दुआ करते रहे रोजे में, और दुआ ये दरखास्ती आई, जैसे आज मैंने पूछा कौन कौन सी, दो कानदान वाले बोले कि दुआ करो खुदा हमें घर दे। मैंने कहा ये दुआ तो मैं करूंगा, पर जो दुआ मैं करने वाला हूं ये जरा गौर से सुने, मैं दुआ करूंगा खुदा आसमान पर हमें घर दे। मैं दुआ करूंगा, फिर सारा ने मजा लिया, सब ने एंजॉय किया, जितने मेरे लोग बैठे थे साथ, उन्होंने कहा हाँ जी पादी साहब आप दुआ करें खुदा हमें आसमान पर घर दे, क्योंकि गाते हैं कि आसमान तेरा घर है प्यारे, हमारा घर आसमान पर है। और यीशु हमें दुनिया के तूफानों से निकालकर, दुनिया की मुश्किलात से निकालकर हमें अपने पास उस घर में ले जा सकता है जहां अमन सुकून और शांति है, इत्मीनान है। यीशु हमें इत्मीनान से भर सकता है, और सबसे अहम जो चीज यीशु हमें दे सकता है वो आसमान पर घर है, आसमान पर खुदा की हजूरी में हमें ले जा सकता है। और इमाल की किताब दूसरा बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि वह हमारा निजात देता है, बचा सकता है, जो कोई खुदावंत का नाम लेगा निजात पाएगा, जो कोई खुदावंत, उन्होंने यीशु का नाम लिया, उन्होंने तूफान से निजात हासिल कर लिया। यीशु मसीह के पास जाते हैं और उसे कहते हैं हम हलाक हुए चाहते हैं, उन्हें यीशु के जाके जगाया, लेकिन यीशु ने जगाने का गुस्सा नहीं किया। तुझे मेरे जगाया क्यों है, मुझे तंग क्यों किया, ये बात का यीशु ने गुस्सा नहीं किया। हाँ यीशु ने गुस्सा किया है, यीशु ने झिड़का हमें, और कई दफा
मैं भी झिड़कता हूं लोगों को सिखाने के लिए, कई दफा लोग गुस्सा भी करते हैं, लेकिन याद रखें कि कई चीजें, जैसे पाकिस्तान के दौरान कई लोग ऐसे आए जिन्हें मुझे एहसास हुआ कि ये नहीं जानते, मैंने उन्हें झिड़का डांटा कि पीछे हो जाओ इन्हें ना दो। कई दफा हमें झिड़ककर लोगों को सिखाना पड़ता है, यीशु भी झिड़कता है और डांटता है, लेकिन इस बात के लिए नहीं डांटता कि तूने मुझे क्यों जगाया, मैं सो रहा था। यीशु ने डांटा है उनकी कम इत्तेकादी की वजह से, कम ईमानी की वजह से, ईमान की कमजोरी की वजह से यीशु ने उन्हें डांटा है। खुदा के नाम इस बात को बयान करते, हम हलाक हुए चाहते हैं, कहा खुदा हमें बचा। जब कभी ऐसा वक्त आए, जब किसी कभी ऐसा मौका आए, खुदा के पास आकर उसे कहे हमें बचा, वो आपको बचाने के लिए तैयार, मुझे और आपको रहाई देने के लिए तैयार। उसने उसे कहा अकामत कर दो, डरते क्यों हो? यीशु को गुस्सा है कि ये डरते हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए था, क्योंकि यीशु कश्ती के नीचे मौजूद था। जिस कश्ती में यीशु होता है वो कभी डूब नहीं सकती। डरते क्यों हो? जिस कश्ती में यीशु है उसको लहरें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो जहाज नहीं टूटता। जिस कश्ती में मुकद्दस नूह और उसका खानदान था, जिस कश्ती में मुकद्दस नूह और पूरी दुनिया उस वक्त की थी, उसको भी तूफानों ने घेरा, वो भी 371 दिन पानी पर रहा, 1 साल 1 हफ्ता वो बड़ा जहाज पानी पर घूमता रहा, कभी इधर जा कभी उधर जा, उसे पानी तूफान उसे हवाएं नुकसान ना पहुंचा सकी, क्योंकि खुदा उस कश्ती में मौजूद था। और इस कश्ती में जिसके अंदर उस वक्त की पूरी कलीसिया मौजूद है, उस कश्ती में यीशु मसीह मौजूद था। और जिस कश्ती में जिस कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होता है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिस खानदान में जिस जिंदगी में यीशु मौजूद होता है, उस खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हमें नुकसान पहुंचता है, उस वक्त पहुंचता है, जब यीशु हमारी जिंदगी में नहीं होता। यीशु हमें बचाने का इख्तियार रखता है, हमें रहाई देने का इख्तियार रखता है। डरते क्यों हो? कम इत्तेकादों को झिड़कना चाहिए। मैं भी कई दफा झिड़कता हूं, लोग जब आके कहते हैं कि मैं दुआ करता हूं, हम दुआ करते हैं सारी टीम, कहते हैं पैदे ही पैदे, कहते हैं ना पादी साहब एक कहती है मैं नहीं जाना, बुद्रू के सत्ता पर जब दुआ करें घर वाले अक्सर एक कहती है मैं नहीं जाना, ये नहीं जानती होगी, मैं कहा चलो तो पहुंच जाओ दौड़ जाओ, तो आपका ईमान ही नहीं है। आप दुआ के लिए आए हैं, आप शिफा के लिए आए हैं, और आप कह रहे हैं कहती है मैं नहीं जाना और मेरे यीशु में कोई नहीं ठहर सकता। हमारे यीशु क्या, जब हम आए इस ईमान के साथ आया करें कि यीशु कुछ भी कर सकता है, यीशु के सामने कोई बदबू नहीं ठहर सकती, यीशु के सामने कोई बीमारी नहीं ठहर सकती, यीशु के सामने कोई कमजोरी नहीं ठहरती। जब आपके आप हमारे सामने आकर और यीशु की सलीब के सामने गिरजे में आके कहते हैं कि इन्हें नहीं जाना, तो फिर वो नहीं जानती, क्योंकि आपकी ये मर्जी होती है कि वो ना जाए। अगर आपकी मर्जी है, आप ईमान रखते हैं, तो याद रखिए कोई तूफान हमें डुबो नहीं सकता। यीशु झिड़कते हैं, यीशु डांटते हैं कम इत्तेकादों को, कम ईमानों को। अगर आप उसके घर में आए हैं, अगर आपका ईमान मजबूत है, तो कलाम में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजात होंगे। यहां पर भी शागिर्दों के साथ है और यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं कम इत्तेकादों। डांटते क्यों? डर मत और खौफ मत का नए नामे में 365 बार इस्तेमाल हुआ है। हमारे लिए हर दिन का पैगाम यह है डर मत और खौफ मत का, और साल में 365 दिन होते हैं। हमारे हर दिन के लिए पैगाम है, आपका दिन शुरू हो फिर डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर खुदा आपके साथ है, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं, फिर डरने की खौफ से होने की जरूरत नहीं है, वो आपकी मदद कर सकता है। हाँ, उसके लिए ईमानदार होना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह उन्हें डांटते हैं, डरते क्यों? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमल हो गया। जब यीशु उठता है तो तूफान बैठ जाते हैं, जब यीशु खड़ा होता है तूफान बैठ जाते हैं, जब यीशु खड़ा होता है पानी थम जाता है, जब यीशु खड़ा होता है कश्ती सीधी हो जाती है। ये वो यीशु है जो पानियों को हुक्म दे सकता है। पदाश की किताब उसका पहला बाब उसकी 9वीं आयत में हमें इस बात का पता चलता है कि
खुदा ने जब आसमान और जमीन को बनाया तो कलाम के इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और मेरा यस्सु जिस दिन पानियों को खुदा ने जुदा किया खुदा के साथ, पानी उसका हुक्म मानते हैं, पानी उसकी किताब में फरमानी करते हैं, पहले बाप की नौमियात में खुदाश की किताब, और खुदा ने कहा कि आसमान के नीचे का पानी एक जगह जमा होकर खुश्की नजर आए, और ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन जब खुदा ने पानियों को खुश्की से जुदा किया, जमीन बनाई, तो यस्सु मेरा और आपका खुदा मन खुदा के साथ मौजूद था। जब ये सात दिन के काम हो रहे थे, जब इंसान को बनाया जा रहा था, और मैंने मजा लेता हूं कई दफा कलाम सुनाते उस बात को बयान करके, कि जब यस्सु ने जन्म गेंदे को आंखें दी थी, जब यस्सु ने जन्म गेंदे को डेले बनाए थे, मट्टी सानी थी, उसकी आंखों में डाल दिए दो डेले बना के, आईबॉल्स बना के, और अंदर जब गए मट्टी उसकी आंखों में तो वो डेले बन गए। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि यस्सु ने जिस दिन मट्टी से आंखें बनाई थी, यस्सु ने उस दिन दुनिया को बताया था कि जिस दिन खुदा ने आदम को मट्टी से बनाया था, मैं खुदा के साथ। मैं आज भी मट्टी से इंसानों को बना सकता हूं, और आज जब यस्सु पानी को डांटता है, यस्सु समंदर को डांटता है, यस्सु झील को डांटता है, यस्सु हवा को डांटता है, तो यस्सु दुनिया को बता रहा है कि मेरे पास पानी पर भी इख्तियार है, हवाओं पर इख्तियार है, और मेरा हुक्म सारी कायनात मानती है। उसने हवा को डांटा है, पानी को डांटा है, उसने झिड़का है, और खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है। उसने उठकर और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, पानी को डांटा और अमन हो गया। अगर आपकी जिंदगी में अमन नहीं है तो यस्सु के पास आ जाओ, आपकी जिंदगी में अमन कायम कर सकते हैं। आपके खानदान में अमन नहीं है, यस्सु के पास आ जाए वो आपके खानदान में अमन कायम कर सकते हैं। यहां भी जैसे यस्सु उठता है अमन कायम हो जाता है। दुनिया में अगर कोई अमन कायम कर सकता है तो मेरा यस्सु है, जैसे अमन सुलह और सलामती का शहजादा कहा जाता है। वो इंसानों की जिंदगी में अमन को कायम कर सकता है, वो कायनात में अमन को कायम कर सकता है, वो पानियों में समुद्रों में झीलों में अमन को कायम कर सकता है, उठता है अमन हो जाता है। खुदा का कलाम इस बात को बयान करता है। और लोग ताज्जुब करके कह रहे हैं कि किस तरह का आदमी है, क्या बार पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। यीशु हैरान कर देते हैं अपने कामों से, यीशु परेशान कर देते हैं अपने कामों से, यीशु ईमान को बढ़ा देते हैं अपने कामों से। यीशु जो मौजदा से है जो दुनिया में किसी और ने नहीं किए, किसी ने भी आज तक दुनिया में किसी चार दिन के मुर्दा को जिंदा नहीं किया, इसमें मेरा यीशु करता है। किसी ने आज तक किसी की मौत पर आज तक किसी की मौत पर आज तक कब्रें नहीं पटी और मुर्दे जिंदा नहीं हुए, मेरे यीशु की मौत पर कब्रें पट गई और मुर्दे जिंदा हो गए। मेरे यीशु के कहने से नई आंखें बन जाती है। किसी ने किसी के गुनाह माफ नहीं किए, दुनिया में अगर कोई गुनाह माफ करता तो मेरा यीशु आज भी गुनाह माफ करता, उसको शिफा देता, कहता जा तेरे गुनाह माफ हुए। और यहां पर भी वो तूफानों को झिड़क सकता है, हवा को डांट सकता है, अमन सुलह और सलाम ठिकान करके हैरान कर सकता है। खुदा का कलाम इस बात को हमें सिखाता है कि हमें अगर परेशान है जिंदगी में, परेशानी है, तूफान है, उसके पास आ जाए। आपकी जिंदगी में है नहीं, वो अगर वो सोया हुआ है तो उसके साथ राबता कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो यीशु आपकी जिंदगी में मौजूद है, लेकिन आपने कभी उसे पूछा ही नहीं है, कभी उसे बुलाया ही नहीं है, कभी उसे दावत ही नहीं दी। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप यीशु पर ईमान रखते हैं? आप यीशु पर ईमान रखते हैं? अगर आप ईमान रखते हैं तो आपकी जिंदगी में मौजूद है। कभी 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 कहते ना कि रिश्ते मिलते हैं होते हैं, अगर मिलते रहे तो रिश्ते होते हैं, अगर यीशु के साथ रابطہ है तो वो आपके काम कर सकता है।
बहुत से लोग जानते हैं यीशु को, लेकिन एतकाद कम है, ईमान कम है। आज हमें यीशु पर ईमान को बढ़ाने की जरूरत है, यीशु पर एतकाद को बढ़ाने की जरूरत है। जब हमारा ईमान कम होता है, यीशु पर हमें झिड़कता है, जिस तरह शिगिर्दों को झिड़का। खुदांदाज के खिलाफ के वसीले से हमें बरकत है। हम दुआ करें। अजीज और प्यारे आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चराग और राह के लिए रोशनी। आज के कलाम के वसीले से बरकत दे, और जितने काम एतकाद लोग हैं उनका ईमान बढ़ जाए, जिनका ईमान कमजोर है मजबूत हो जाए। बहुत से लोग अपनी जिंदगियां यीशु के कदमों में रखें और दुआ के वसीले से अपने रास्ते को मजबूत करें। मुसीबतों में, दुखों में, तेरे कदमों में आकर रहाई, आजादी पाए, अमन सुलह को हासिल करें यीशु के अल्कादर नाम के वसीले से।